गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का गाना है, आप लोग ने कितना एंजॉय किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा गाने को? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली। ये सॉन्ग है ना जो गोवा के मूड में शूट करने का था, बट डायरेक्टर सर ने बोला कि हम ठीक है मनाली में करते हैं, फिर वहाँ गए तो हम ग्रीनरी सोच रहे थे कि वहाँ जाके शूट करेंगे, बट वहाँ स्नोफॉल हो गया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और बहुत माइनस डिग्री में टेम्परेचर था वहाँ पे, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड दिस इज़ माई सेकेंड एल्बम, एंड मुझे ये शूट करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हमने ये -10 डिग्री -12 डिग्री में शूट किया है, स्पेशली मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज शिफॉन साड़ी पहन के बर्फ में शूट करना, दैट टू -डिग्री में शूट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट द एंटायर क्रू, एंटायर टीम, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, इवन अमन, दे वर वेरी हेल्पफुल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा हर एक चीज़ का, एंड बहुत अच्छे से हमने शूट किया, उसका आउटकम बहुत अच्छा निकला है, एंड आई होप आप सबको भी उतना ही अच्छा लगे जितना अच्छा मुझे शूट करके लगा। जैसे अमन ने कहा कि -डिग्री में टेम्परेचर में आप साड़ी में भी, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए स्पेशली? देखिए साड़ी में शूट करना, दैट टू -डिग्री में शूट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। आप कितनी भी यू नो आप जैकेट पहन लेते हो जब कैमरा ऑफ रहता है, या आप गर्म पानी पी रहे होते हो, या कुछ भी होता है, बट जब कैमरा ऑन होता है तो आपको आपके कॉस्ट्यूम में रहना होता है, एंड साड़ी पहनना, यू नो ब्लाउज, जैसे हमारा नेचुरल अटायर होता है साड़ी ब्लाउज पहन के शूट करना, उस वक्त हम ना जैकेट पहन सकते हैं, ना ग्लव्स पहन सकते हैं, ना ईयर कैप लगा सकते हैं, हमें नेचुरल एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। आप कांप रहे हो अंदर से, लेकिन आप कांपना अपना दिखा नहीं सकते हो, यू नो, तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। एंड मुझे लगता है कि फीमेल को इस तरीके के सिचुएशन में शूट करना ज़्यादा डिफिकल्टीज यू नो फेस करना पड़ता है मोर देन मेल आर्टिस्ट, बिकॉज मेल आर्टिस्ट को हम फिर भी जैकेट पहना सकते हैं, या शर्ट पहना सकते हैं, टी शर्ट पहना सकते हैं, उसके अंदर हम थर्मल पहना सकते हैं, शूज़ दे वे, एंड बट जो फीमेल कैरेक्टर्स होती है उनको खूबसूरत दिखना है, स्पेशली साड़ी पहनना है, तो आप एज सच कुछ यू नो ग्लव्स, जैकेट, ये सब कुछ पहन नहीं सकते हो, तो ऑफ कोर्स बहुत ही डिफिकल्ट था। जी जी एक्चुअली सॉन्ग, मुझे सॉन्ग बनाते बनाते 2 साल लग गए, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा बहुत। ये मैं चाहता था कि ये बहुत अच्छा सॉन्ग हो, इसलिए इतना टाइम लगा इस चीज़ में। इस सॉन्ग को मैंने बहुत टाइम दिया है और बहुत मेहनत की इस सॉन्ग के पीछे। आई होप आप सबको पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। और इस सॉन्ग के बारे में ये मैंने इस तरीके से लिखा है कि प्यार तो सभी करते हैं, पर जो प्यार में हार जाते हैं उनकी नफरत भी उतनी ही ज़्यादा होती है जिस तरीके से वो प्यार करते हैं। सर गाने के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैच लगता है हमें जो पुराना गाना था एक बंजारा करके, थोड़ा सा उसका जी हाँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ सॉन्ग से। वो सॉन्ग बहुत वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, और धर्म सर मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं, तो इस वजह से मैं उस सॉन्ग से इंस्पायर्ड हूँ। इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये सॉन्ग करूँ, बट मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया अपनी तरफ से, काफ़ी कुछ बेस्ट किया है इस सॉन्ग में। आई होप सबको ये सॉन्ग बहुत पसंद आए। सुना था दीवानों से इश्क होता सही है, दिल भी टूटा सही पर फर्क पड़ता नहीं है, ये दिल तोड़ा है तूने, तन्हा छोड़ा है तूने, फर्क पड़ता नहीं अब ऐसे छोड़ा है तूने, तूने सोचा था अब मैं बिन तेरे जी सकूँ ना, गलत फहमी तेरी ये तू निकाल दे, हम दीवानों की बात मत पूछो जी, हम दीवानों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। थैंक यू थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। पहले एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी डिफिकल्टीज, कितने चैलेंजेस थे, और थोड़ा सा अगर गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताया कि गाने किस तरह का गाना होने वाले ऑडियंस से। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग शूट करने निकले थे मनाली, सो बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग था। जब अमोल जी ने मेरे को बोला कि नहीं रमेश जी आइए,
ये गाना हम लोग करते हैं, तो हम लोग का प्लान था कुछ मतलब गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुछ ग्रीनरी इस टाइप का। सो हम लोग जब वहाँ पे गए, पहले तो लैंड स्लाइडिंग हो गया वहाँ पे, और एक दिन रुकना पड़ा। उसके बाद जब मनाली में पहुँचे तो अचानक से स्नोफॉल हो गया, तो दो दिन हम लोग होटल में रुके। रुकने के बाद जब अमोल जी से मैंने पूछा कि क्या करेंगे, मतलब करना है या फिर निकल जाना है, फिर ग्रीनरी में आना है, सो बोले कि नहीं रमेश जी, हम लोग तुरंत थैंक्स टू अमन एंड मंजरी, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में कॉन्सेप्ट को समझा। हम लोग जो कॉन्सेप्ट सोच के गए थे वो कॉन्सेप्ट शूट नहीं कर पाए, हम लोग कुछ अलग शूट किए बर्फ़ को लेके। सो डिफिकल्ट तो निश्चित रूप से हुआ था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे माइनस 12 डिग्री आई थिंक, 12 हाँ 12 डिग्री में शूट करना एक छोटा बात नहीं है, तो फिर भी उसमें साड़ी पहन के, कॉन्सेप्ट तो था कि ग्रीनरी में साड़ी पहन के शूट करना है, तो साड़ी में फिर वो बर्फ़ में उसको करना पड़ा, तो निश्चित रूप से डिफिकल्ट। और सेकेंड बात बोले, अमन ने ये गाना गाया, विशाल करली जी का म्यूजिक है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन गाना है, मुझे तो मतलब बार बार तो हम सुनते हैं यहाँ पे लग गया, और हम सब ने मिल के दिल और दिमाग दोनों मिला के गाने को बनाए हैं। खास करके अमोल जी जो कि मतलब झिकझाक प्रोडक्शन में कुछ ये ठान लिए हैं कि कुछ नए कलाकार को हर गाने में हम लोग लेंगे, तो खाली ये हिंदी नहीं, मराठी भी वो बहुत सारे कर चुके हैं, और उनका भरोसा मेरे ऊपर, वो थैंक्स कि इतना बड़ा चैलेंज लिया उन्होंने, तो देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन गाने के लिए बहुत सारा तकलीफ किया पूरे यूनिट। अमोल सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको गाने के बारे में बताया गया, क्या ऐसी चीज थी जो आपने इस गाने को बैक करने का फैसला किया, क्या मतलब इस गाने से कितना इम्पोर्टेंट है कि लोगों तक पहुंचे, आपको क्या फायदा होने वाला है? देखो, फायदा होगा नहीं, वो बात की बात है, बट अभी ऐसा है कि हमें झिकझाक प्रोडक्शन 4-3 ईयर से चला रहा हूँ, उसमें मराठी सॉन्ग्स बहुत सारे मैंने किए, पर मैंने एक सोचा कि और सारे सॉन्ग में मैंने नए कलाकारों को लिया हुआ है, एक मेरा एक एम है कि जो कलाकार नए आते हैं उनको चांस नहीं मिलता, तो मैं उनको चांस दे रहा हूँ। सिंगर्स है, अच्छे अच्छे एक्ट्रेस है, तो मेरा ये है कि उनको लेके, उनके टैलेंट को लेके हम उसको प्रेजेंट करें आगे, तो वो मेरा ये आगे तक चला। सर, इसके अलावा जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस थे, हाँ बहुत सारे चैलेंज, मतलब ये थे कि ऐसा था कि क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि ग्रीनरी में करना है, अचानक जैसे हम लोग मॉर्निंग में जैसे पहुंचे वहां से इतना बर्फ गिरा कि मतलब जा ही नहीं सकते, खिड़की के बीच तक पूरा आ गया, पूरा गया था, तो मैंने बोला कि अभी गाना इतना आया है तो करते हैं, बाकी मंजीरी जी है, अमन जी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने बहुत मेहनत लिया है, तो मतलब 12 डिग्री में इतना करना मतलब नॉट अ जोक, तो अच्छे से गाना बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत प्यारा है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये गाना जो है थोड़ा सा इंस्पायर लगता है जो धर्मबाजी पर जो गाना फिल्माया गया था, अगर उस बारे में कुछ बताओ, क्या कुछ क्रेडिट दिया है गाने को लेकर? नहीं, एक्चुअली बात वो नहीं, अगर ये गाने का कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ वहाँ पे गया, तो मतलब ये अपना भाग्य है कि हाँ इतने बड़े लेजेंड के पास हम लोग तो पहुँच पाए। लेकिन जो गाना होता है, सुर 7 प्रकार का होता है, सारे गामा पाधानी, तो उसी के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड का जितना गाना है वो सब आता है, तो हमने कोशिश किया कुछ अच्छा करने के लिए, तो सुर कहीं ना कहीं कोई भी सुर लगता है किसी गाने में, सो अगर आ गया होगा तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। ये हमारा खुद का चैनल है झिकझैक प्रोडक्शन करके, उसी में बहुत सारे सॉन्ग्स है, मराठी सॉन्ग्स है, डिवोशनल सॉन्ग्स है, ये भी फर्स्ट हमारा हिंदी सॉन्ग्स है क्योंकि आज इसको लॉन्च कर रहे हैं। और एक मजे की बात ये है कि बहुत जल्द झिकझैक प्रोडक्शन ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजनल लैंग्वेज है सब में भी अपना चैनल लॉन्च करवा रहा है, क्योंकि भारत के कोने कोने में कलाकार है, उनके मानना है, उनका मानना है। अभी जस्ट हमने उड़ीसा में 2 सॉन्ग करके आए, सेम वहाँ के भी नए नए कलाकारों को लिए हमने, और अच्छे गाने हुए, अच्छे हिट भी हुए, बिलियंस व्यूज आए उनको, तो हम उसके ट्राई कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ये हमारे छोटे भाई है, अमोल जी हैं, प्रोड्यूसर है, इन्होंने प्रोड्यूस किया है, और अमन ये इतने यंग एज में कंपोज भी किया है इन्होंने और गाया भी है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत टैलेंटेड लड़का है, मैंने सुना हुआ है लाइव जो कई बार वो मंजरी जी इसमें परफॉर्म कर रही हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है कि नया टैलेंट की तो कमी अपने यहाँ है नहीं इंडिया में, बहुत बेशुमार टैलेंट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म मिलने की देर होती है, और आजकल प्लेटफॉर्म हर जगह मिलता ही है, तो मैं तो हमेशा से, क्योंकि मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये हमेशा चाहता हूँ कि यंग टैलेंट को, यंग म्यूजिशंस को मौका मिले और आगे आए,
और जिस तरह का वेरिड म्यूज़िक हमारे हिंदुस्तान में है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। हर तरह का फोक हमारे यहाँ है, हर तरह का गाना हमारे यहाँ होता है, मतलब क्लासिकल से लेके रैप तक हर चीज़ में हम लोग टॉप हैं। तो मुझे नेचुरली बहुत खुशी है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। एंड हाँ हाँ ज़रूर, ये बहुत बड़े बड़े प्लान हैं इनके, इन्होंने अभी स्टार्ट किया है इससे, लेकिन आई एम श्योर कि आगे भी ये करेंगे। और बहुत मुबारक हो, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गाने को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुने, लोगों को फॉरवर्ड करें और इस गाने को सुपर हिट बनाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और मेरा छोटा भाई है, इसको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में मंजरी जी, इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। गाना इंशाल्लाह हिट होगा और अच्छा गाना बनाया है, मैंने भी सुना है बहुत ही, और अच्छी लोकेशन पे शूट किया गया है, बहुत अच्छे से शूट किया है, सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी शूट करने में, बिल्कुल पानी की तरह पैसा बहाया है। वो बोलते हैं ना प्रोड्यूसर थोड़े कंजूस होते, नहीं इन्होंने वो काम नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल हाथ खोल के ऐसे पैसा खर्च किया है, मैंने खुद ने देखा है इनका शूट, तो बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं गाना हिट हो। बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सबने वोट दिया कि नहीं भाई? सबने वोट दिया ना? फैंटास्टिक, थैंक यू। सर आई मीन क्लब का तो हमारे इंटीरियर्स वगैरह सारे जो भी हैं न्यू इंटीरियर के साथ हम लोगों ने रीलॉन्च किए हैं, एंड उसके साथ ही साथ हमारे सर है पार्टनर रामुल सर, इनका रशिया में भी क्लब है, एंड पापास क्लब विच इज़ अ रशियन क्लब, एंड वी आर कोलैबिंग विद रशियन, हम लोग उस पर एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं रशियन क्लब। सो राइट नाउ वी आर द फर्स्ट यू नो टू स्टार्ट रशियन क्लब कॉन्सेप्ट ओवर इन मुंबई अंधेरी। अभी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पे ऐड करने, फूड इज़ वेरी नाइस, बहुत सारे शेफ चेंज किए, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। सर्विसेज के बारे में यू नो हमने तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम अपना बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दें यहाँ पे टू एवरी गेस्ट इज सेम फॉर अस, तो बाकी तो यू हैव टू विजिट वंस फॉर द सर्विस। हमारे सर का सॉन्ग है ये, हमारे पार्टनर अभी सर ही बताएंगे, बाकी मैंने तो सुना है काफी अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है। माय नेम इज अमृता, एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी अमान एंड मंजरी को कि उन्हें इस वीडियो में एक्ट करने का मौका मिला, एंड बेस्ट विशेस कि ये वीडियो बहुत अच्छा काम करे। आप लोगों ने गाना देखा, कैसे लगा? आई लव्ड इट, अगेन वी आर गोइंग टू वॉच इट अगेन इनसाइड, वी एंजॉय इट, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई लाइक द कोरियोग्राफी, सो आई एम अ कोरियोग्राफर, सो आई जज यू नो दैट वे, सो इट वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू।